नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में नगर निगम में मौजूद हूं और मैं देख रहा हूं यहां पर यहां के पार्षद भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा ये किस क्षेत्र के पार्षद हैं और क्या समस्या है जो यहां पर देख रहा हूं क्षेत्रीय लोगों को लेके आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन गुप्ता है। ये पवन गुप्ता जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा इनका क्या प्रकरण है और क्या मामला है और क्या अवगत कराने आए हैं नगर निगम के अधिकारियों को। क्या प्रकरण, क्या मामला है? मेरे वार्ड 37 अशोक नगर में एक संतलाल का हाथा है जो कि मलिन बस्ती घोषित है, परंतु उसमें सीवर लाइन आज तक नहीं पड़ी है और वहाँ पे कम से कम 400 परिवार रहते हैं और आबादी है वहाँ पे 2500 लोगों की, और वहाँ पे आज भी जो है लोगों को खुले में शौच करने जाना पड़ता है। एक शौचालय बना है, उसमें कई बार पूर्व में भी मैं पत्राचार कर चुका हूँ कि वहाँ पे शौचालय सीवर लाइन पढ़नी चाहिए जो कि नहीं पढ़ पा रही है, तो इसीलिए आज हम लोग संबंधित। आखिर क्या कारण है? आप पार्षद भी हैं, किस पार्टी से पार्षद हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं और उसके बाद सरकार भी इनकी है, उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह इनका कहना है मैं अवगत करा चुका हूँ पूर्व में भी यहाँ के अधिकारियों को, उसके बाद भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया और न ही कोई इस पर एक्शन हुआ, न कोई राहत मिली। आगे फर्दर आपका क्या प्रोग्राम है? आज किस लिए आप आए हैं नगर निगम में? हम लोगों ने आज शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन नगर आयुक्त जी को देना था, नगर आयुक्त जी नहीं थे तो उन्होंने अपर जी को आदेशित कर दिया था। अपर नगर आयुक्त जी को मैंने, हम लोगों ने सबने मिलके बस्ती के लोगों ने समस्या का अपने दे दिया है ज्ञापन, और उसके बाद हम लोग को कहा गया है कि इस पे समाधान होगा और हमने अपनी बात भी कही। अगर नहीं होगा, जिस जनता ने हम लोग को चुनकर यहाँ नगर निगम में भेजा है, हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश में बनवाई है, अगर नहीं होगा उसके लिए संघर्ष करेंगे, जो करना होगा करेंगे, परंतु हमको जिस हिसाब से अधिकारियों का संतावना मिली है कि आपका ये काम अति आवश्यकता है, अति आवश्यक होगा। अगर आपने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर आपको यहाँ से आश्वासन के बाद भी आपका आपको यहाँ से कोई संतोषजनक काम नहीं होता आपका यहाँ से, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? वो होगा, वो आप लोग देखेंगे और समझ में आएगा। नहीं होगा तब ना, तो सरकार हमारी है, मालूम है हमारी, होगा और नहीं होगा तो फिर उसके बाद आप प्रत्यक्ष रहेंगे और जो होगा वो समय दिखाएगा और हम लोग बताएंगे। जिस तरह ये इनका कहना है अगला स्टेप इनका जो होगा वो वक्त बताएगा। और मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? सपना। सपना जी, क्या समस्या आप लोग की है? सर, हमारे यहाँ सीवर लाइन नहीं है संतलाल हाथे में, और काफी सालों से हम लोगों ने तो बाहर जाते हैं और वहाँ पे एक शौचालय है और काफी घर है और लड़कियाँ जो है वहाँ गंदा इतना रहता है कि कोई जा ही नहीं सकता, लड़कियाँ बाहर जाती हैं हमारे यहाँ शौचालय के लिए, और हम लोगों के लड़के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन लोगों की शादियों होने में बहुत दिक्कत हो रही है। जिस तरह का कहना है कि वहाँ पर जहाँ ये रहते निवास करते हैं संतलाल के हाथे पर, और वहाँ पर कोई भी शौचालय नहीं है जिसमें इनकी घर की महिलाएं और बच्चे बाहर लेटरिन करते हैं, जिसमें इनको बाधा और परेशानी उत्पन्न होती है, और इसके लिए आज ये अवगत कराने आए हैं कमिश्नर को, यहाँ के नगर आयुक्त को। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और भी महिलाएं खड़ी हैं, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? शोभा रानी। शोभा रानी, आप बताइए क्या समस्या, क्या समस्या से जूझ रही हैं आप लोग, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उससे अवगत कराएं। वही लैट्रिन की व्यवस्था है वहाँ, लैट्रिन है नहीं, दिक्कत पड़ रही है, और बाहर सब लोग लैट्रिन करने जाते हैं, ये बाहर के मतलब कुछ लोगों को वो तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत पड़ती है कि काफी समस्या। इनका कहना बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है वहाँ पर और कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है, जिस तरह इनको परेशान होकर आज नगर आयुक्त के पास आना पड़ा है। आपकी क्या नाम है? रिंकी। रिंकी जी बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है? सर, हम लोग संतलाल के हाथों में रहते हैं, हम लोगों के यहाँ सीवर लाइन नहीं है काफी सालों से, लड़कियाँ बेटियाँ सब बाहर जाती हैं, बहुत गंदी रहती है वहाँ की, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे नगर आयुक्त जी से मिलने। नगर आयुक्त जी को अवगत कराने के लिए अपनी समस्या को आए हुए हैं। अब देखना होगा नगर आयुक्त जी किस तरह से संज्ञान लेते हैं और किस तरह के समस्या का समाधान करते हैं। और मैं देख रहा हूँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम आपका? राम स्वरूप। राम स्वरूप जी, ये बताइए आप यहाँ पे आए हैं नगर आयुक्त के कार्यालय में, क्या अवगत कराने आए हैं? सर, हमारा सीवर लाइन नहीं है, हमारा लेटरिन बाथरूम की बहुत समस्या है, तो इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? प्रयास ये किया कि यहाँ पे नगर आयुक्त को मैंने ज्ञापन दिया है उसके कि हमारी समस्याओं को हल करें। इन्होंने नगर आयुक्त को एप्लीकेशन दी है और इनके साथ यहाँ के पार्षद भी आए हुए हैं, और अब देखना होगा किस तरह नगर आयुक्त लेते हैं संज्ञान मामले को और किस तरह इनकी समस्या समाधान करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। ये चंद्र प्रकाश है,
ये भी संथाल हाथे में रहते हैं, उनकी क्या समस्या है इनसे पूछता हूँ, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर हमारे यहाँ आज तक सीवर लाइन नहीं पड़ी है सर। सरकार के जो प्राथमिकता है कि हर घर में शौचालय हो। हमारे यहाँ माताएं बहने प्रेग्नेंट होती है, बूढ़ी माँ है, चलने में दिक्कत है, एक सार्वजनिक शौचालय में काफी दूर जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें शहर में होते हुए मात्र आधा किलोमीटर दूर, तो आज तक हम लोगों को जो है शौचालय नहीं उपलब्ध है। बहुत सारे शौचालय उपलब्ध नहीं हुआ है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो धरने दे रहे हैं यहाँ पर कुछ मौजूद है महिलाएं, और मैं देख रहा हूँ क्या नारा है आप लोग का, जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी महिलाएं उपलब्ध है और यहाँ पर आई है नगर आयोग से मिलने के लिए, अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया है, और पार्षद जी से भी वार्ता की है मैंने, और मैं अब अगली अपडेट में किसी नया प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से, कैमरामैन सत्येंद्र कुमार, नमस्कार, जय हिंद।